लॉकडाउन और कोरोना महामारी में हर विषय को लेकर बात हुई, परंतु शिक्षा को लेकर किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। शहर के एक युवा शिक्षक ने बच्चों के बेसिक नॉलेज को बनाए रखने के लिए एक अनूठा प्रयास किया। खरगोन जिले के सेगांव नगर में निजी शिक्षण संस्थान के शिक्षक मनीष गुप्ता ने बताया कि हमारा भारत देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। हम सभी देशवासियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें दो सबसे बड़ी समस्या सामने आई है, आर्थिक, मानसिक आदि। लेकिन इन सभी समस्याओं से जिस गंभीर समस्याओं पर हम लोगों का ध्यान नहीं जा पा रहा है वह है शिक्षा क्षेत्र। जैसा कि हम सभी को पता है कि देश का भविष्य आज के बच्चे हैं। जिस तरह से हमारा देश कोरोना के रहते आर्थिक समस्या जूझ रहा है, मैं शिक्षक होने के नाते अपने कर्तव्य को समझते हुए एक छोटी सी पहल कर रहा हूँ। मैं निःशुल्क अपने सभी विद्यार्थियों और वे बच्चों जो मुझसे होम ट्यूशन लेते हैं उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहा हूँ तथा अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स इजी लर्निंग बाय मनीष गुप्ता, इसके माध्यम से उन्हें पढ़ा रहा हूँ। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। इतना सा डिफरेंस है, ओके। तो अगर आप, तुम्हारे मन में कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। पूछो, कोई क्वेश्चन है माइंड में? ऐसा नहीं है, इसमें जो है ये आपकी नेचुरल नंबर्स हैं। इन नेचुरल नंबर्स को हम नेचुरल बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एंशियंट टाइम्स में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो पहले जो होता था वहाँ पे काउंटिंग के लिए क्या यूज किया जाता था। आप ये ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस किस कारण चला रहे हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब कुछ ठप है। और मैं एक टीचर हूँ, और टीचर होने के नाते मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखूँ। तो अभी हो क्या रहा है कि स्कूल कॉलेज सब बंद है, जिस कारण से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बच्चे मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, मैं निजी एक स्कूल में पढ़ाता भी हूँ, मेरी खुद की कोचिंग क्लासेस भी हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है मेरे टच में हैं। तो वो रेगुलरली मुझसे मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अपने डाउट्स शेयर करते रहते हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम होती है मुझसे शेयर करते हैं, और मैं उन प्रॉब्लम्स को शेयर सॉल्व करने की काफ़ी कोशिश भी करता हूँ। तो इसी चीज़ से मुझे एक प्रेरणा मिली थी कि क्यों ना मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाऊं, और वीडियो कॉल के थ्रू और मेरे वीडियोस के थ्रू बच्चों की हेल्प करूं। तो इस तरह से मेरे को एक प्रेरणा मिली और मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। चैनल का नाम है मैथ्स इजी लर्निंग बाय मनीष गुप्ता। और इस चैनल पर मैंने 9, 10, 11 एंड 12 सभी क्लासेस के सब्जेक्ट वीडियोस बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे बच्चों को अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम ना हो, और उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर भी होते रहें। आज का अभी हम ये बोल सकते हैं कि अभी 2-3 महीने बाद अगर स्कूल्स ओपन भी हो जाती है तो प्रॉब्लम ये रहेगी, बच्चों के सामने प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या है कि एग्ज़ाम टाइम में उनको सिलेबस कंप्लीट करने में पर्याप्त समय नहीं मिलेगा, और पर्याप्त समय नहीं मिलने से बच्चों के ऊपर जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, उनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे हैं वो कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं, और एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे जो है ऐसा गलत कदम ना उठाए। तो इस चीज़ को की प्रेरणा लेकर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें सब्जेक्ट वीडियोस जो है बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और ऐसा करते हुए मुझे अपने आप में एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ अच्छा काम कर पा रहा हूँ बच्चों के लिए। तो बस ये एक यही छोटी सी एक मतलब मैं बोल सकता हूँ कि छोटा सा मेरा विज़न है कि नहीं, मैं बच्चों को ऑनलाइन अपने घर पे रहते हुए भी शिक्षा जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि वो घर पे रहकर भी अपनी एजुकेशन को स्टॉप ना करे, कंटिन्यू कर सके और घर पे रहकर स्वस्थ भी रह सके। क्या नाम लिखता हूँ? मेरा नाम मनीष गुप्ता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।